गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है एक नया वीडियो में। अगर आपने मेरा इंट्रो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ वो वीडियो पहले देख लेना, क्योंकि आपको एक कॉन्टेक्स्ट मिल जाएगा ये रिस्टार्ट सीरीज़ के बारे में। एंड इफ यू ऑलरेडी डेड, हियर्स द न्यू वीडियो। Good morning everyone, welcome back to this channel. So it's day 18th of our 30 days challenge. So finally we are in the month of Feb. Feels exciting. 12 din aur bache hain, जैसे तैसे कंप्लीट करना है ये, जैसे तैसे नहीं बट अच्छे से कंप्लीट करना है ये चैलेंज और शूट करना है। एंड वी हैव टू सी आवर इम्प्रूवमेंट एवरी डे। ट्राई करेंगे एट द एंड ऑफ दिस चैलेंज कि कितना प्रोग्रेस हुआ है, एनालाइज करेंगे कहाँ कहाँ वी हैव टू वर्क। और इट्स 9:13 फर्स्ट फैब, 12 मोर डेज टू गो। आज का वर्कआउट खत्म करके इसके बाद क्लास जाना है। आफ्टर दैट मेरा शॉर्ट लिस्ट आया है एक कंपनी के लिए, उसके लिए प्रिपेयर करना है मेरे को। थोड़ा क्लीन शेव भी करना है, क्लीन शेव इज इन थोड़ा ही करना पड़ेगा क्योंकि ज्यादा तो है नहीं। जो भी है उसको उखाड़ के फेंकना पड़ेगा। या सो वी आर डूइंग ए लेग वर्कआउट अगेन, क्वाड्स। मैं चैलेंज में ना लेग्स को दो दिन में डिवाइड कर दिया, एक क्वाड्स और एक हैमस्ट्रिंग्स, क्योंकि मैं पहले फोकस नहीं करता था अपने लेग्स पे ज्यादा। तो व्हाई नॉट टू सेपरेट डेज फॉर लेग्स, ताकि हैमस्ट्रिंग्स भी ग्रो हो जाए। पहले सिर्फ क्वाड्स ट्रेन करता था, लेग एक्सटेंशन, स्क्वाट्स। बट आई फील लाइक ओवरऑल वो थोड़ा अगर हर साइड पे टारगेट करो ना तो वो बाद में अच्छा दिख जाएगा। सो कीपिंग दैट इन माइंड, दो दिन का स्प्लिट में ऐड कर दिया है लेग्स को। एंड वी आर फॉलोइंग अ 4-day स्प्लिट। अगर आपने नोटिस नहीं किया है तो मैं अभी बता रहा हूँ कि वी आर फॉलोइंग अ 4-day स्प्लिट। पहले हम लोग चेस्ट और बैक करते हैं, द सेकेंड डे वी गो फॉर क्वाड्स, आर्म्स एंड शोल्डर्स, एंड चौथे दिन में हम लोग हैमस्ट्रिंग्स, एंड फिर वो साइकिल फिर से रिपीट करते हैं। आई नो थोड़ा अजीब सा स्प्लिट है बट वर्क्स फॉर मी, मेरे चेस्ट और बैक एज कम्पेयर्ड थोड़ा सा डेवलप्ड है, शोल्डर में थोड़ा सा डेवलप्ड है, आर्म्स में थोड़ा सा फोकस करूँगा, इसलिए सबसे ज़्यादा मेरे को लेग्स पे फोकस करना है। एब्स, और एब्स को मैं हर जगह ऐड कर दे रहा हूँ, एंड कार्डियो आफ्टर एवरी सेशन, एज यू ऑल कैन सी, एज यू ऑल हैव ऑलरेडी सीन। या लेट्स गो फॉर द वर्कआउट, लेट्स किल इट। अभी अभी सो के उठा हूँ, ब्रश भी नहीं किया, आई जस्ट ब्रश एंड देन आई विल हेड स्ट्रेट फॉरवर्ड टू द जिम।